पानी डाले, उसके बाद हम जेट चेक करते हैं। अब हम देखते हैं प्रेस चला के, आप प्रेशर देखिए। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टू पीस इंग्लिश सीट कैसे लगाई जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर सामने देखते होंगे, ये पॉइंट वन पीस इंग्लिश सीट के पॉइंट बने हुए हैं और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं ये टू पीस इंग्लिश सीट। ये सीट है हमारी और ये इसका सिस्टम है जो पीछे इसके दीवार पर टंगेगा और ये सीट कवर है और इसमें हम जेड भी लगाएंगे। क्लाइंट ने ये पॉइंट वन पीस इंग्लिश सीट के बनवाए थे तो वो वन पीस नहीं लगवा रहे हैं, तो यहाँ पर वो लगवा रहे हैं टू पीस इंग्लिश सीट। तो इसी वन पीस इंग्लिश सीट के पॉइंटों में हम ये टू पीस इंग्लिश सीट पेरीवेयर कंपनी की फिट करने जा रहे हैं। तो आपको अगर टू पीस इंग्लिश सीट लगाने नहीं आती तो आप बिल्कुल सही और ठीक जगह पर आए हो, क्योंकि आपको यहाँ पर पुर्जे की जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे काम की ओर पर चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये आप देख दूँगी, ये बैंड में एल्बो में से पाइप का टुकड़ा निकाला हुआ है, तो हम यहाँ पर टुकड़ा पहले नापेंगे और स्टाइल से 1.5 इंच ऊपर हम इस पाइप का टुकड़ा इसमें लगाएंगे। तो हमारे यहाँ पर ये पाइप का टुकड़ा हमने बैठा दिया है इसमें और हमने ये टेल से लगभग 1.25 इंची ऊपर रखा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें चार तरफ आप जो गैप में देख रहे हैं हम इसमें वाइट सीमेंट भरेंगे। आपके पास ब्लैक सीमेंट हो तो ब्लैक सीमेंट भी इसमें भर लीजिए, हमारे पास वाइट सीमेंट है तो हम इसमें वाइट सीमेंट पहले भर लेते हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो में बने रहें और बिना स्किप किए हुए वीडियो को नाक तक देख रहे हैं। स्किप कर देंगे तो दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर लोग कहते हैं वीडियो समझ में नहीं आया। हम यहाँ पर इसकी पूरी की जानकारी देने वाले हैं, सीट से लेकर सिस्टम भी लाएंगे, फिर सीट कवर भी लाएंगे, फिर जेड भी लाएंगे और आपको सीट चालू करके दिखाएंगे। अब हम इसमें वाइट सीमेंट भर लेते हैं, इसके चार तरफ को उंगली से दबा दबा के हमको भर लेना है, ताकि अगर सीट के नीचे पानी जाए तो ये फ्लोर में फर्श में पानी नहीं जाए। हमारा यहाँ पर वाइट सीमेंट लग चुका, अब हम सीट को रखकर देंगे मार्किंग करेंगे। हमारे यहाँ पर सीट लग चुकी है, अब हम इसको पीछे से देख लेंगे सीधी। यहाँ पर हमारी सीट बिल्कुल सीधी है, अब हम इसकी मार्किंग ले लेते हैं। अब हम ये पेंट की सहायता से स्टेप की सहायता से इसकी मार्क, इसकी जो हॉल देख रहे हैं आप इसमें इस तरीके से निशान ले लेंगे। अब हम सिस्टम के निशान ले लेते हैं, सिस्टम को खोल लेंगे। इसमें देखेंगे क्या क्या निकलता है। ये इसमें इसकी बॉल्ब वगैरह किट वगैरह ये सब, इसका लॉन्ग बैंड ये सब हमको फिट करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले फिट कर लेते हैं, आप वीडियो में लास्ट में रहें, हम इसको एक एक पूरी जानकारी आपको देंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद नया इंसान भी इस टू पीस इंग्लिश सीट को लगाना सीख जाएगा, बस आप लास्ट तक बने रहें। यह है इसकी बॉल कॉक, यह है इसका हैंडल जिससे प्रेस करता है और यह है इसकी किट और यह इसका लॉन्ग बैंड छला वगैरह और यह इसकी एक चाबी दी है किट को टाइट करने के लिए और यह है इसकी ओरिंग रबल जो लॉन्ग बैंड में हम लाएंगे। सबसे पहले हम इस किट को इस सिस्टम में फिट कर देंगे, इसमें को हम खोलेंगे, एक बार तो हम बाहर निकालेंगे और एक इसके अंदर ही रहने देंगे। और ये इस प्रकार से हम इसमें डालेंगे, फिर ये रबड़ को डालेंगे हम, फिर ये इसका नट टाइट कर देंगे। फिर ये है कि चाबी जो कंपनी वाले साथ में देते हैं, आपको रिंग वगैरह भी लगा रही है, इस प्रकार से आप फंसाएंगे और इससे टाइट कर देंगे। हम
हमारी किट यहाँ पर टाइट हो चुकी है, अब हम इसमें लगा लेते हैं बॉल को। ये इसमें एक ही बात दी जाती है, ये हम बाहर के साइड से लगा लेंगे, इसको इस प्रकार से डाल लेंगे। ये प्रकार आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये काले रबर डालेंगे, ये नट को चढ़ा देंगे। इस बॉल को को टाइट करने के लिए भी इसमें ये खाँचा दिया हुआ है, हम इसको इसमें इस प्रकार से खाएंगे और ये टाइट कर देंगे। हमारी बॉल यहाँ पर टाइट हो चुकी है, हम इसको चढ़ाए थे ये हैंडल, ये आप देख रहे हैं ये हैंडल है। इसमें इसके ब्रैकेट वगैरह इसके इक्विपमेंट वगैरह इसमें दिए हुए रहते हैं। सबसे पहले हम इसको इसके नट को खोल लेते हैं, कृपा से इसको हम निकाल देंगे बाहर के में। और ये जो आप देख रहे हो ये इसके नट को भी खोल लेते हैं और इसको इसके इस हॉल में इस तरीका से बाहर की साइड से डालेंगे और ये नट अंदर की साइड से चढ़ा देंगे इस प्रकार से। फिर ये हैंडल है हमारा, इस हैंडल को इसमें इस प्रकार से डालेंगे। अब हम इस पत्ती को इसमें इस प्रकार से फंसा लेते हैं, ये हमारी पत्ती फंस चुकी है और हम इसमें ये जो खाँचा देख रहे हैं इसका इसके भी अंदर खाँचे होते हैं, इसको खाँचे में इस प्रकार से डालेंगे हम। इसको फंसाने के बाद ये जो हमने नट पहले खोला था इसको इसके अंदर इस प्रकार से घुसा के और चढ़ा देंगे। हमारे ये नट टाइट हो चुका है, अभी ये फ्रेस करने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम लगाए थे इस पत्ती को, अब ये जो पत्ती आप देख रहे हैं इसमें ये खाँचे भी हो गए, ये जो खाँचे हैं ये और इसमें ये बन दिया हुआ है, इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, ऐसे ये चार खाँचे हैं। तो हम इसको इस प्रकार से बता देते हैं, आप देखिए ध्यान से पास दिखा। ये हमारा एक फंस गया, ये भी हमारा फंस चुका है, अब ये भी हमारा फंस गया है, ये भी हमारा फंस के पूरा रेडी हो गया है। अब ये आया हमारा लॉन्ग बैंड, ये जो आप और एक बार से देख रहे हैं इसको हम निकालेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से फंसा लेंगे। एक ये हमारा पहला नट रहा, एक दूसरा, और ये एक रोरी के बाद सर हम इसको इसके जो स्लीव में आप देख रहे हैं इसमें फंसा लेंगे इस प्रकार से। अभी जो आप लॉन्ग बैंड देख रहे हैं आपको इसको इससे रख के देखना है, लगभग ये आपका 2 से 2.5 इंची सेंटर आना चाहिए दीवार है। अगर ये आपका पाइप बड़ा है तो उतना ही पाइप हमको यहाँ से कट करना होता है। मेरा यहाँ पर ये बिल्कुल फिक्स आ रहा है क्योंकि ये वन पीस सेट के पॉइंट है बने हुए, तो यहाँ पर ये थोड़ा पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर ये बिल्कुल फिक्स आ रहा है, तो हम इस प्रकार से इसमें लगा लेंगे और इसको सीधा देख लेंगे यहाँ सामने से। अब हम रख लेते हैं इसमें सिस्टर, हम इसको सिस्टर पे इस प्रकार से इसमें ये बाहर से लगा करके इस प्रकार से डालेंगे और ये नट को टाइट कर लेंगे। हमारा नट टाइट हो चुका है, अब हम इस पे लेवल रख के देखेंगे। पहले एक बार हमको ये वाटर लेवल जो आप देख रहे हैं एक बार ये लॉन्ग बैंड पाइप पे भी रख के देख लेना कि हमारा पाइप सीधा है कि नहीं। हमारा यहाँ पर भी सीधा है, अब हम रख के देखेंगे यहाँ पर कि हमारा सिस्टम सीधा है या नहीं है। तो हमारा सिस्टम बिल्कुल ये लेवल में है, अब हम इसकी मार्किंग ले लेते हैं। मार्किंग लेने का तरीका आप देख लीजिए, जिन लोगों को इसकी ब्रैकेट की मार्किंग लेनी नहीं आती है वो क्या करते हैं इसमें सीधे ड्रिल से सुराख करते हैं और सीधा पेंच लगा लेते हैं। हम यहाँ पर पेंच कोई ऐसा जुगाड़ काम नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर इसमें सीधे ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको सीधा यहाँ पर निशान दे देना है। अरे आप जो कट देख रहे हैं
ब्रैकेट फंसाने का, एक यहाँ पर हमको सीधा एक निशान मारना है और एक यहाँ पर सीधा निशान मारना है। इसी प्रकार हम ये वाला निशान ले लेते हैं। हमारे निशान यहाँ पर लग चुके हैं, अब हम इसको हटाते हैं। हमने सीट और सिस्टम को हटा दिया है। यहाँ पर हमारे नीचे मार्किंग आ गई है, एक यहाँ पर एक हमारा हॉल होगा और एक यहाँ पर हॉल होगा। फिर गिट्टी इसमें हम ठोकेंगे, फिर पेंट टाइट कर देंगे। अब दूसरा हमारा यहाँ पर भी ये निशान आ चुके हैं। अब हम ब्रैकेट के निशान ले लेते हैं। ब्रैकेट के निशान लेना बहुत आसान होते हैं, लेकिन कुछ प्लम्बर भाई हमारे सिस्टम में सुराख करते हैं, फिर सीधा गिट्टी पेंट अंदर से ही लगा देते हैं। ब्रैकेट को वो नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको लगाने का तरीका नहीं होता है। ये बहुत ईजी है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यहाँ ये सीधा निशान है। यहाँ पर यहाँ से हम एक सीधा निशान इस प्रकार से खींच लेंगे और दूसरा निशान ये हमारा है, दूसरा निशान भी हम इस प्रकार से खींच लेंगे। अब हमें दूसरा क्या करना है, ये आप जो मोटाई देख रहे थे वो यहाँ से सीधी रखनी है। आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं, यहाँ से सीधी रखनी है और ये नीचे इनको सीधा निशान खींच देना है इस प्रकार से। फिर ये हमारा आएगा बिल्कुल, हमको इन दोनों के निशानों के सेंटर में हमको इसको रखना है और यहाँ पर ये मार्किंग हम इस प्रकार से कर लेंगे। इसी प्रकार से हम ये वाले मार्किंग को ले लेते हैं। कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा यहाँ पर एक सुराख होगा और एक यहाँ पर होगा, फिर गिट्टी में जाके इस ब्रैकेट को टाइट कर देंगे, फिर हमारा सिस्टम लग जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले होल्ड कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पे हमको सुराख बनाए, वहाँ पर एक कील की धाचा थे इसको कट मार लेंगे ताकि हमारी विट फिसले ना। हमारी गिट्टी यहाँ पर लग चुकी है, अब हम इसको सीट को रखेंगे और इसके पेंच टाइट कर देंगे। ये पेंच 3 इंच का इसका साइज है और हमारी 1.5 इंच की गिट्टी देगी है। हमारी ये 1 पीस सीट के गिट्टी पेंच है। आप मार्केट से भी 3 इंच के मार्केट में अलग से भी गिट्टी पेंच मिलके मिल जाते हैं, आप वो मंगा करके लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको टाइट कर लेते हैं पहले। हमारे यहाँ पर ब्रैकेट टाइट हो चुके हैं, सीट के नट भी हमने टाइट कर दिए हैं। अब हम इसको सीटर को फंसा लेते हैं। हमें बिल्कुल इस निशान की सीट में रखना है और इसको नीचे को पुश कर देना है इस प्रकार से। जैसे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा सिस्टम बैठ गया। अब हम नीचे वाला इसको नट टाइट कर लेते हैं। इसको भी हम चढ़ा देते हैं इस प्रकार से। अब हम लगाएंगे इसमें की बॉल कॉक में कनेक्शन पाइप। यह है हमारा कनेक्शन पाइप। कनेक्शन पाइप को हमने एंगल कॉक में चढ़ा दिया है। अब हम सीट कवर लाएंगे और जेड लाएंगे, इसमें हम टाइट कर देंगे। यह हमारा सीट कवर, यह है इसके ब्रैकेट वगैरह। अभी हम इसको लगाने का तरीका बताते हैं आपको। यह हमारा ब्रैकेट है, ये इसमें 2 ब्रैकेट हैं और 2 हैं इसकी रबर। सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे, ये बार फिर हमको निकाल लेनी है। दूसरा आप समझ लीजिए, यहाँ पर ये इसमें ये खाचा है और इसको इस प्रकार से
इसमें डालेंगे तो ये यहाँ पर बैठ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको भी फंसा लेंगे, ये हमारे दोनों बैठ जाएंगे। ये है हमारा जेड, जेड की पत्ती निकालेंगे, इसको इस प्रकार से इसमें डालेंगे और यहाँ पर रख देंगे इस प्रकार से। इसके बाद ये सीट कवर रख लेंगे। सीट कवर को सेट बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे हम, इसको जेड को भी बिल्कुल सेंटर में कर देंगे और नीचे से पहले ये बार से लगा करके इसके बाद ये नट को टाइट कर देंगे। इसी प्रकार से ये वाला भी टाइट कर लेंगे। हमारे दोनों नट बोल्ट टाइट कर दिए हमने इसके नट। अभी हमारा रहेगा जेड, जेड में ये बार से डालेंगे और इसको यहाँ पर इस प्रकार से लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी टू पीस इंग्लिश सीट लग के पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें ये इसका असिस्टेंट का ढक्कन लगा देते हैं। अब फिर हम इसमें अब पानी चालू करके देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमारा यहाँ पर पानी चालू हो चुका है। चलिए पानी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले शॉर्ट बॉडी में ले लेते हैं, ये पानी आ रहा है। इसके बाद हम जेट चेक करते हैं। ये हमारा जेड है बाहर से कनेक्शन। अब हम देखते हैं इसका फ्रेस चला के, आप प्रेशर देखिए। तो यहाँ दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। वो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर जाना और हमारी वीडियो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।